मेरा मानना है कि अगर आप समझदार हो, अगर आप होशियार हो तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन डेढ़ होशियारी जरा भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए जगहंसाई का मुद्दा बन जाता है। अगर आप समझदार हो, अगर आप होशियार हो तो बेशक होशियारी दिखाओ, लेकिन डेढ़ होशियारी बिल्कुल भी मत दिखाओ, और उससे तो बिल्कुल भी मत दिखाओ जो पहले से ही जला बुना बैठा है, जो पहले से ही भड़का बैठा है। रेफरेंस, अगर अब तक आपको समझ नहीं आया तो मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बारे में। वैसे तो जब से ही कांग्रेस वालों ने लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला का समर्थन ना देने की बात कही थी, तब से ही ओम बिरला इन लोगों से भड़के हुए हैं, पर कल दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें एक और मौका दे दिया और भरी सभा में अपनी भद्द पिटवा ली। किस पे आपत्ति, किस पे आपत्ति नहीं, सलामत दिया करो, चलो बैठो, चलिए। ओम बिरला से डांट पड़ने के बाद, ओम बिरला से अपनी भद्द पिटवाने के बाद, अब ये लोग ट्विटर पर रोना धोना कर रहे हैं, अब ये लोग ट्विटर पर ही अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन अब आखिर उससे होगा भी क्या? तो आखिर क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्यों दीपेंद्र हुड्डा की डांट लगी थी, बेइज्जती हुई थी, चलिए देखते हैं। I, Shashi Tharoor, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. यहाँ से शुरू हुआ था पंगा। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति, किस पे आपत्ति नहीं, सलामत दिया करो, चलो बैठो। स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। तो ये था पूरा मामला। शशि थरूर ने अपनी स्पीच दी थी, एंड में जय संविधान बोला, जिस पर ओम बिरला ने उन्हें याद दिलाया कि जो आप बोल रहे हो वो संविधान की शपथ ही है, एंड में जय संविधान बोलने की जरूरत नहीं है, जिसके बीच में दीपेंद्र हुड्डा ने पड़ी लकड़ी ले ली। अभी ओम बिरला से डांट खाने के बाद ये जनाब ट्विटर पर रोना धोना कर रहे हैं कि आखिर संसद में जय संविधान बोलना गलत कैसे हो गया। हरियाणा कांग्रेस ने भी आज इस पर एक लंबा चौड़ा लेख लिख दिया और बोला कि आज भरी सभा में लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला जी ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ बेहद गलत तरीके से पेश आए हैं और सांसद को बेइज्जत किया है। मगर क्या आपको पता है कि दीपेंद्र हुड्डा इस बार लगभग 3.5 लाख वोटों से जीतकर आए हैं और ओम बिरला मात्र 40,000 वोटों से। दीपेंद्र हुड्डा 5 बार के सांसद हैं और ओम बिरला मात्र 3 बार के। 2005 में सांसद बनने वाले दीपेंद्र हुड्डा उस समय के सबसे युवा सांसद थे। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा जैसे राज्य नेवल के पूरे देश में एक लोकप्रिय नेता हैं। ओम बिरला जी ने इतने बड़े जनाधार वाले नेता का अपमान करके अहंकार वाली सोच का प्रदर्शन किया है। हरियाणा कांग्रेस की तरह ही राज बब्बर ने भी सेम ट्वीट चिपका दिया और याद दिलाया कि दीपेंद्र हुड्डा 4 बार के सांसद हैं जबकि ओम बिरला मात्र 3 बार के, जिससे साफ होता है कि ओम बिरला का कद दीपेंद्र हुड्डा के सामने काफी छोटा है। और ये लॉजिक है कांग्रेस वालों के, ये लॉजिक है कांग्रेसी चमचों के। पर अगर इनसे पूछा जाए कि अगर किसी की शख्सियत का यही पैरामीटर है, यही क्राइटेरिया है, तो भाई प्रियंका गांधी 1 बार भी लोकसभा सांसद नहीं रही हैं, 1 बार भी विधायक नहीं रही हैं, 1 बार भी पार्षद भी नहीं रही हैं, जिसका मतलब ये होता है कि प्रियंका गांधी की वैल्यू कांग्रेस के लगभग ज्यादातर नेताओं से छोटी है, कम है, क्योंकि वो कभी भी कोई भी इलेक्शन ना तो लड़ी हैं और ना ही जीती हैं। क्या बढ़िया था गुरु। मतलब ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सारे के सारे सांसदों के अध्यक्ष हैं, उनके लिए रिस्पेक्टेबल हैं, उसके बाद भी इन्हें दीपेंद्र हुड्डा ओम बिरला से ऊपर लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो 1 बार ज्यादा सांसद बना है ओम बिरला के कंपैरिजन में। अब खैर, इन लोगों के आईक्यू के इस लेवल पर मैं क्या ही बात करूं, मैं कुछ बोलूंगा तो ये लोग दोबारा से ट्विटर पर रोना धोना कर देंगे। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।